नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। बहुत से दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि आप फ्री रेंज का जो आपका एरिया है उसके बारे में बताइए, तो मैं आपको बताता हूं, ये हमारा एंटर होने वाला गेट है और यहाँ से फिर हम पूरा एक तरफ से दिखाना चाहेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी छाँव में मुर्गियाँ रहती हैं और ये गेट लगा है, तो यहाँ से हमने दीवार दे दिया है और यहाँ से फिर ये जाली है। ये जो जाली है ये इसकी हाइट 5 फीट है, तो ये जाली 5 फीट है और यहाँ 2 तार हमने कांटे वाले दे दिए। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये 8 फीट का है, तो 2 फीट ज़मीन के नीचे हो गया, यहाँ 2 फीट ज़मीन के नीचे, और यहाँ से ये 5 फीट तक जाली और फिर 1 फीट पे ये कांटे वाले तार। इस प्रकार से ज़मीन के नीचे 2 फीट और ज़मीन के ऊपर ये 6 फीट है। और यहाँ से ये जाली स्टार्ट हुई है तो ये हमारे पेड़ पौधे के उस तरफ से जाली है, तो वो वहाँ तक है, ये लगभग 200 फीट है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारी मुर्गियाँ चरते रहती हैं, ये पूरा खुला एरिया है। तो यहाँ से ये कार्नर है, यहाँ से फिर उस तरफ गांव है, स्कूल है, बहुत से लोगों का मकान है। तो देसी मुर्गी में तो कोई अगर शिकायत ना करे तो ठीक है, बाकी गाँव के अंदर होना दिक्कत आती बाद में। तो फिर यहाँ से हमारा ये कार्नर है और यहाँ से कार्नर से फिर उतना ही हाइट की जाली फिर यहाँ से ऐसी गई है, तो वो कोने तक, तो फिर मैं वहाँ तक वीडियो रोक लेता हूँ। तो ये अब हम आ गए हैं ये वाला कोना, वो उस कोने से ये कोना, तो ये यहाँ से अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो ये हमारा फ्री रेंज का एरिया, वो दिख रहा है 1538 का एक फार्म, ये दिख रहा है 3090 का एक फार्म, और यहाँ से ये हमारा गेट है जहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे। और हमने यहाँ पर छाँव के लिए भी और गन्ना ये खाने के लिए लगाया है हमने, ये देखिए आप, ये हाथ में आएगा आपके, इतना मोटा गन्ना है, बहुत ही शानदार है और बहुत मात्रा में लगा हुआ है ये। और ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ से, ये जो बाउंड्री है, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और ये कैल्शियम के लिए जो हम खिलाते हैं, ये मुनगा मुरिंगा जिसको कहते हैं, और ये हमारी यहाँ छाँव में मुर्गियाँ रहती हैं, यहाँ पर हम इनको ग्रीन फॉडर खिलाते हैं। ग्रीन फॉडर जब भी खिलाएं आप तो 12 बजे से 3 बजे के बीच में खिलाएं। तो यहाँ से ये छाँव है, यहाँ केले के पेड़ हैं, ये गन्ना है और बहुत सारे पेड़ हैं, पपीते के 40 पे, ये देखिए आप, ये कटहल का है, ये जाम है, वो जामुन है, उधर गन्ना है, बहुत सारे पेड़ लगा के रखे हैं हमने कि हमें भी काम पड़े। और इनकी पत्तियाँ हम इनको मुर्गियों को खिलाने में ले लेते हैं, तो ये देखिए आप, ये मुर्गियाँ खा रही हैं। तो ये 12 से 4 हमने ये पत्तियाँ खिला दी, तो इस प्रकार से इनका दिन भर का रूटीन चलते रहता है। कितने शौक से खाती हैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये डगाला भी काट के, ये पानी ठंडा रख दिए छाँव में, तो इन्होंने यहीं ग्रीन फॉडर खाया, यही छाँव में दिन भर खेलती हैं, और जब इनका दिल करा के पानी प्यास लगी तो ये पानी रख दिया है। तो हमारा जो है फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए हम ये सब करते हैं। और अभी हमने नेपियर तैयार कर रहा है, इसको पूरा पैक कर दिए, नहीं तो ये खा जाती पूरा, तो इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये हम इसको जो है इधर फिर बाद में शिफ्ट कर देंगे जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये ग्रीन फॉडर खाते रहेंगे, हम आपको दिखाते हैं आगे। तो मैंने आपको 3 सिरे दिखा चुका है कि गेट से हम कैसा है, और फिर यहाँ से भी पूरा जाली, मतलब पूरा जो 1 एकड़ पौन एकड़ है ये पूरा कवर है। ये लगा है नींबू, लगा है ये सीताफल है, ये बादाम का पेड़ है, ये बिही है जिसको जाम कहते हैं, अमरूद, ये पलबेर है, और यहाँ से वो कार्नर है आगे, वहाँ से फिर उधर फिर बाउंड्री लग गई। ये हमारा वो फार्म है 1538 का कच्चा वाला, तो ये कच्चे वाले फार्म को भी आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा है देखिए, खपरे वाला। और यहाँ से फिर हमारा बड़ा वाला सेट लग गया जिसमें अभी RIR की हमारी सारी मुर्गियाँ जो फ्री रेंज में चल रही हैं। अब आगे से दिखाता हूँ, तो वो वहाँ से वो हमारा गेट है, तो जो हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था तो यहीं से हुआ था। तो दोस्तों ये है मेरा फ्री रेंज का एरिया और फार्म। अब एक बार फार्म को अंदर से भी दिखा देता हूँ, तो ये अंदर का एरिया है, यहाँ पर हम बैठते हैं, यहाँ से यहीं से बैठे बैठे ये देख लेते हैं हम, ये इन्वर्टर रखा है, ये टीवी रखी है, और यहीं से हम हमारी मुर्गियों की मॉनिटरिंग करते हैं दिन भर। और यहीं से बैठे बैठे हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि गेट में कौन आ रहा है जा रहा है। चलिए आगे और दिखाता हूँ आपको।
और यहाँ पर रहता है ये हमारी दवा वगैरह हैं, कुछ खेती की हैं, कुछ मुर्गियों की हैं। ये हमारा यहाँ लेड बात है ये, और यहीं हम दवा तैयार करते हैं। वैक्सीन वैक्सीन पहले के वीडियो में सब देखा होगा आपने, और अभी काम बंद है लॉकडाउन के समय से। तो जब हम यहाँ पर ये दो कमरे बना रहे हैं, एक ये 14x14 का, एक ये, एक लेड बात ये अलग हो गया, और ये दो कमरे से अटैच एक लेड बात यहाँ रखा है। और ये लेड बात के ऊपर लेंटर में हमने 3000 लीटर की 3 टंकियाँ रख दी हैं। और ये हमारा गेट है, और जब हम गेट से एंटर करते हैं यहाँ से, तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा दिखता है ये। यहाँ कुछ दिन बाद कमरे बन जाएंगे, ये लेड बात हो गया, ये टंकी रखी है, ये फार्म हो गया, और इसके उस तरफ को 38x15 वाला कच्चा है, और ये हमारा हो गया फ्री रेंज, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ यहाँ तक। तो दोस्तों ये था मेरे फ्री रेंज वाला एरिया और पूरे फार्म का वीडियो, और फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।